नमस्कार, खाना किशोरी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम धनिया और मेथी को सुखा के रखने की तरकीब बताएंगे, वो भी केवल 2 मिनट में। धनिया को अच्छे से धो लें और उसके पानी को निचोड़ लें, और उसके बाद फिर हम माइक्रोवेव को सेट करेंगे। इसमें धनिया की पत्तियों को ऐसे फैला देंगे और केवल 2 मिनट का उसमें हम टाइम सेट करेंगे और उसको ऑन कर देंगे। ये देखिए, केवल 2 मिनट में हमारी धनिया की पत्तियां जो है एकदम से सूख गई है, एकदम कड़क, और इनका कलर भी बिल्कुल एकदम हरा है, जैसा था वैसे का वैसा कलर है। इसको हम देखेंगे, हाथ से तोड़कर दिखाएंगे, बिल्कुल एकदम से क्रिस्पी हो गई है। ये देखिए, एकदम कुरकुरी, बिल्कुल सूखी। और इस तरह से हम इसको साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे सुखा के रखे हुए धनिये को हम कितने भी दिन के लिए रख सकते हैं, पूरा साल भर हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब हम इसी तरह से आपको मेथी दिखाएंगे। इसी तरह से मेथी की पत्तियों को धो लें, धो के उसके पानी को साफ कर लें और उसको भी माइक्रोवेव में रखें। सारी पत्तियों को रख के 2 मिनट का टाइम इसमें सेट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इन पत्तियों की तरह से हमें जैसे तुलसी के पत्ते हुए, उनको भी ऐसे सुखा के रख सकते हैं। और जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे पालक है, बथुआ है, उनको भी ऐसे ही सुखा के स्टोर करके रख सकते हैं साल भर के लिए। ये देखिए, मेथी की पत्ती अब सूख गई है, बिल्कुल एकदम से कड़क। इनको हम निकाल के डब्बे में डाल के रख लेंगे। सारी पत्तियां इस तरह से सूख गई है, बिल्कुल एकदम कड़क। इस तरह से हम और भी पत्तेदार सब्जियों को स्टोर करके रख सकते हैं। ये इसी तरह से हमने तुलसी की पत्तियां ली हैं, इसको हम रखेंगे माइक्रोवेव के अंदर और इसमें 2 मिनट का समय हम सेट करेंगे और माइक्रोवेव को चालू कर देंगे। और ये देखिए, हमारी तुलसी की पत्तियां भी इसी तरह से सूख गई हैं, बिल्कुल एकदम। और अब हम इनको पीस करके ऐसे हाथ से कुचल के हम अपनी चाय की पत्ती के अंदर मिला के रख सकते हैं। उसके लिए हमें अलग से तुलसी के पत्ते डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हम चाय वगैरह बनाएंगे। इस तरह से हमारी तुलसी की पत्तियों वाली चाय तैयार हो जाएगी। इस तरह से हम मेथी है, धनिया, पालक, बथुआ, इस तरह की सारी सब्जियों को सुखा करके रख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप मेरे चैनल को देखते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।